Yeah, I am Manoj Vadnarkar, General Secretary of All India Central Government Federation. We are holding our executive committee meeting in this August house in the Hyderabad. To the inform the members, we are All India representative has been come here. We want to inform the latest development in the happening in the industry level. Regarding first of all the bank privatization move, we fear that government want to in this section intersection to bring the banking amendment act. So we want all our office bearers and committee members to go to the public and trade that why we want the nationalized bank particularly, and others issue faced by the our All India comes entire India. So it has been discussed in this house, and also to oppose the bank bachao desh bachao movement. मैं सुधीर झा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफिसर फेडरेशन. यहाँ हैदराबाद में हम लोग अपने कार्यकारिणी कमेटी की बैठक आयोजित किए हैं, तो बैंकों का जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो स्थिति चल रही है उससे अवगत कराने के लिए यहाँ पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जिन्हें आज हमें बताना है कि आने वाले दिनों में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका विरोध समाज के स्तर पर, बिजनेस के स्तर पर करना है. ये दो दिन का मीटिंग हम लोगों ने रखा है, पूरे दो दिन में बैंकों के प्रेजेंट हालात पर और आने वाले दिनों में हमारे तरफ से क्या एक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, इसको हम लोग रिकॉर्ड करके पूरे भारतवर्ष में जो ये प्राइवेटाइजेशन और सरकार को बेचने की नीति है पब्लिक सेक्टर का, उसका विरोध जताएंगे हम लोग और आगे का प्लान हम लोग तय करेंगे. एम एल कार्य जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर आंध्रप्रदेश एंड तेलंगाणा मैं बैंक पैधु आल इंडिया देश में नलमूल मैं अधिकार आल इंडिया जनरल सेक्रेटरी गार आल इंडिया प्रेसिडेंट गार अलगे देश नलमूल अंदर अधिकार एनकोचारे रोज जो भारत देश में अग्रेस प्रवेटेशन व्यतिरेक मरी बैंक पीसीए अट्ठे पीसीए ना बैठक की रावटा की वो सूचन सलह मरी संप्रद मरी अभी चेसी बैंक ने चाल उन्नत स्थित तीसरावाल इंका मुझे तस्क आदेश वार्ड जी अट्ठे आदेश अनुसार मैं मुझे तस्कूं अदे विधा मैं आल इंडिया बैंक आफीसर्स कॉन्फेडरेशन बैंक बचाओ देश बचाओ प्रति पौर की भारतीय जातीय बैंक विलव मरी वाट समग्रता दी निदू मैं चेरी प्रईवेटेशन अगेस्ट बैंक पीसीए ना बैठ रहा आल इंडिया लीडर्स इच्छे सूचन मैं परगण मुझे ऑर्गनाइजेशन जो अगर कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा उसका पेमेंट सेंट्रल ऑफिस कुछ नहीं करेगा. आप उन लोगों का ब्रांच मैनेजर है आपको उन लोगों का नाम दे दिया तो वो लायबिलिटी आपका पर्सनल लेवल पर जाएगा. उसके बाद यहाँ डीआईओ ने जपना केस देख मैं वो जाकर उन लोगों को बोला है कि जब ठीक है तो जवाब ये मत कीजिए और डिले कीजिए क्योंकि हम लोग सब कर लिया ऐसा, और तब से ये केस अभी तक बंद है. हाँ अभी तक सब बंद है और नया कोई केसेस उन लोगों को दिया नहीं था. तो वो एक्चुअली रिटायरी लोग जो है उन लोगों का कोशिश में ही वो केस हमारा अभी मैंने सोल्व हो गया. और उसके बाद में दिल्ली में जो हमारा जीएस का मीटिंग था मैं एक्चुअली वहाँ भी बोला था कलकत्ता जनरल मैनेजर हमारा गुवाहाटी में रीजनल ऑफिस में दिया था और यहाँ हमारा तीनों रीजन का जो अपना ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर को मिलाकर एक टीम में प्राइवेटाइजेशन का मामला उठाया. यहाँ जनरल मैनेजर ने पूछा कि भाई प्राइवेटाइजेशन का अगेंस्ट में आप लोग कौन कौन है. तब हमारा यहाँ से 12 ब्रांच मैनेजर ने ये हाथ उठाया जो हम लोग है. तो बोला है जो अगेंस्ट उसके बाद जनरल मैनेजर ने बोला है कि अरे ये क्या बात है, सब लोग तो प्राइवेटाइजेशन का पढ़ा है वो भी जरा हमारे सरप्राइज हो गया. अच्छा उसके बाद मैं क्या किया जो जितना लोग ब्रांच मैनेजर था मैक्सिमम के साथ मेरा बातचीत हुआ आप लोग ऐसा क्यों किया, आप लोग क्या प्राइवेटाइजेशन का